जमकर दौड़ी दिल्ली। दिल्ली हाफ मैराथन में करीब 35,000 लोगों ने शिरकत की। हौसला बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के बादशाह किंग खान भी पहुंचे। दिल्ली वालों ने दौड़ के जज्बे में जीत हासिल की तो मैराथन के असली विजेता रहे इथियोपिया के डेरिबा मर्गा। ये जुनून, ये जोश है दिल्ली का। रविवार का दिन यानी दिल्ली वालों के लिए घर में रहकर सुकून से छुट्टी का मजा लेने का दिन, लेकिन दिल्ली वालों ने अपना जज्बा दिखाया दिल्ली की सड़कों पर। दुनिया में सबसे बड़ी इनामी राशि वाली इस हाफ मैराथन में शिरकत करने के लिए दिल्ली वाले उमड़ पड़े। शुरुआत हुई 21 किलोमीटर के दिल्ली हाफ मैराथन मुख्य दौड़ से। दिल्ली वाले दनादन दौड़ रहे थे और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, बॉक्सर विजेंद्र कुमार से लेकर कई सितारे प्रतियोगियों का हौसला बढ़ा रहे थे। मुझे ये मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं 2 साल से देख रहा हूँ टीवी पे और मेरा बहुत दिल था कि मैं आऊँ। तो अपनी सिटी है, अपने लोग हैं, इन सड़कों पर मैं भी दौड़ा हूँ एंड आई थिंक मेन थिंग इज इतना हेल्दी और इतना एक सब साथ में मिलकर हो रहे हैं, इट्स अ थिंग विच यूनाइट्स यू। लेकिन मैराथन का असली रंग दिखा 7 किलोमीटर की ग्रेट दिल्ली रन प्रतियोगिता में। स्कूली बच्चों, दिल्ली की छोटी बड़ी कंपनियों और एनजीओ की तरफ से कई टीमों ने दौड़ में जबरदस्त जज्बे के साथ हिस्सा लिया और देश दुनिया को बताया कि दिल्ली वालों में कितना दम है। इस बार मैंने 1 महीने का ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छा लगा मुझे वो करके और बहुत सारे लोग थे साथ में और बहुत मजा भी आया। टाइमिंग कैसा रहा इस बार आपका? इस बार हमारा टाइमिंग हमने 45 मिनट्स में कर लिया। मतलब काफी ध्यान ब्रीदिंग पे रखा था हमने, 45 मिनट्स में कंप्लीट किया हाफ मैराथन। दिल्ली हाफ मैराथन का जोश युवाओं में ही नहीं बल्कि सीनियर सिटीजन और शारीरिक अक्षमता के शिकार लोगों में भी खूब दिखा। करीब 35,000 लोगों की मौजूदगी का गवाह बने दिल्ली हाफ मैराथन में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जज्बा बुलंद करने की कोशिश की गई और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने साइकिल सवारों को रवाना किया। अब बात विजेताओं की। दिल्ली हाफ मैराथन के विजेता रहे इथियोपिया के डेरिबा मर्गा, कपिल शर्मा, अमित चौधरी और शुभे त्रिपाठी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।